गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको कुछ नया बताने वाली हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम अर्बन क्लैब से बुकिंग किया है। इससे पहले अर्बन क्लैब का बुकिंग का सर्विस मैंने घर का डीप क्लीनिंग के लिए लिया था, और लास्ट वीक मेरे हस्बैंड ने लिया था अपना शेविंग एंड जो भी लड़कों का रहता है। तो मैंने अभी तक अर्बन क्लैब का सर्विस अपने लिए ट्राई नहीं किया था, तो मुझे लगा मुझे ट्राई करना चाहिए। तो मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो इसमें मैं आपको बताऊँगी कि ये मेरा एक्सपीरियंस अच्छा है या बुरा है। तो लेट्स सी, देखते हैं। हाँ, लेकिन बुकिंग से पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि बुकिंग के टाइम पे, बुकिंग के टाइम पे जो मैं बुकिंग कर रही थी, तो उसमें अलग अलग कैटेगरी के पैकेज थे। तो कुछ पैकेजेस हम एडिट कर सकते हैं, जो हमें सर्विस चाहिए उसके हिसाब से हम बुक कर सकते हैं। एंड मैंने वही किया, जो जो सर्विसेज मुझे बेसिकली चाहिए थी लड़कियों की, जो वैक्सिंग, थ्रेडिंग और पलिप्स होता, मैंने वही सब बुक किया है। और मुझे जो है इसका चार्जेस भी इकोनॉमिकल ही लगे, मुझे नॉर्मल सेलॉग के बराबर ही लगे। तो अगर आपको घर बैठे इतनी अच्छी सर्विस और घर बैठे आपको सर्विस मिल रही है नॉर्मल प्राइस में, तो मुझे नहीं लगता इट्स अ बैड डील। तो पहला टर्म मेरा अच्छा है, मतलब पहला एक्सपीरियंस अच्छा है। जैसे ही हमने बुकिंग किया, उसके बुकिंग के आधे घंटे के अंदर हमारे पास जो लड़की सर्विस करने आ रही है उसका वैक्सीनेशन डन वाला एक सर्टिफिकेट जो होता है वो हमें मिल गया कि दिस लेडी सो एंड सो हैज़ बिन वैक्सीनेटेड ऑन दिस डेट करके। मतलब वो इस चीज़ का भी केयर करते हैं कि जो बंदा आपके पास सर्विस करने आ रहा है वो वैक्सीनेटेड हो, और उनका टाइम, उनका नंबर, उन्होंने सब हमें इन्फॉर्मेशन में डाल दिया था। तो अभी 11 बजे, मतलब 10 मिनट में वो आने वाली हैं। उनका फ़ोन हमारे पास आ चुका है एड्रेस कन्फर्मेशन के लिए। तो लेट्स स्टार्ट, ये सर्विसेज कैसी रहती है, उसके बाद मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ एक्सपीरियंस। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ गाइस, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूँ आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। और चलो अब चलते हैं वीडियो। तो वैक्सीन के लिए सबसे पहले ये रोल ऑन का वैक्स गर्म हो रहा है, तो लेट्स सी कैसा होता है। इसी से ही होगा ना दी वैक्स? और कितना टाइम लगेगा इसमें करने में? इसको बस 15 मिनट लगेंगे वैक्स गर्म होने में, जब तक हम लोग थ्रेडिंग वगैरह कर लेंगे तो वो कवर हो जाएगा। और इस वैक्स और दूसरी वैक्स में फ़र्क क्या है? इसमें ये कि एक तो आपको हीट थोड़ा कम लगता है, तो आपको फील नहीं होगा, प्लस पेनलेस भी है आपका। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं वैक्सिंग करना।
ना कि बिल्कुल छीला हुआ साइड से, हाँ हाँ पीछे वाली साइड से, इस साइड से बिल्कुल छीला हुआ, देखो जैसे आपने देखा कि मेरी सर्विसेज हो चुकी हैं एंड ओवरऑल मुझे सर्विसेज अच्छी लगी। मैं दोबारा अर्बन क्लब वालों को ही बुलाने वाली हूँ घर पे। उसके पीछे बहुत सारे रीज़न है। एक रीज़न ये है कि जिस तरीके से अभी कोरोना है और पता नहीं लोगों को है भी तो वो बताते नहीं है, तो ऐसे सैलों में कितने लोग आते होंगे और वो कितना सेफ्टी मेजर्स रखते हैं हमें नहीं पता। ठीक है, टेम्परेचर चेक करना, सैनिटाइज करना, ये सब जगह कॉमन है आजकल, बट एक्चुअल में वायरस कहीं से तो फैल ही रहा है ना। तो आप अपने घर में हो, आपको पता है आपने कितना सही से क्लीनिंग किया है, आप ही हो अपने आपके घर में, कोई बाहर से तो आ नहीं रहा है, और जो आपकी सर्विस करने आ रहा है उसको वैक्सीनेशन है। और ठीक है, मैं मानती हूँ वो भी कहीं बाहर जाते हैं दूसरे लोगों की सर्विस करने, बट एटलीस्ट हम उनका यूज़ किया हुआ सामान यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि मुझे इस बंदी ने जितना भी सामान यूज़ किया वो सब फ्रेश था। मैंने आज जो सर्विस में वैक्सीन लिया, मैंने फर्स्ट टाइम रोल ऑन वैक्सीन ट्राई किया, मुझे लॉजिकली वो वैक्सीन बहुत सही लगी। उसके 3-4 पॉइंट्स हैं। एक रीज़न ये है कि नॉर्मल जो वैक्सीन स्पैचुला से लगाते हैं या नाइफ से लगाते हैं वो इवन लेयर लगती है, गर्म हो जाती है कई बार, या फिर कभी कभी मिस हो जाता है, तो वो रोल ऑन वैक्सीन में नहीं है। मुझे ज़्यादा गर्म भी नहीं लगी, पेन भी रिलीज नहीं हुआ, मुझे ज़्यादा नॉर्मल वैक्सीन होगी फटाफट फटाफट बहुत कम टाइम में। 2 घंटे की सर्विस थी मेरी, 1.5 घंटे में सर्विस हो गई, जिससे सबसे ज़्यादा कम टाइम मेरा वैक्सीन में ही लगा है। और दूसरा ये है कि आप जब सैलों में होते हो तो कभी कभी इधर उधर से लोग आते रहते हैं, कभी कोई पैकेज पूछने आ जाता है या कोई सर्विस पूछने आता है, कोई टाइम पूछने आता है, तो उस टाइम पे क्या होता है ना कि थोड़ा सा फोकस डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको एक डेडिकेटेड बंदी होती है जो प्रॉपरली आपका काम कर रही है, कोई बाहर से डिस्टर्ब करने वाला है नहीं, उसका पूरा टाइम आपका है, आप उससे अच्छे से सर्विस ले सकते हैं। और दूसरा ठीक है, थोड़ा बहुत गंदगी फैलता है वैक्सीन करते हुए या पेडिक्योर करते हुए, बट वो जो सर्विस करने के लिए लेडी आई थी उसका नाम पूजा था आई थिंक, वो सब क्लीनिंग खुद करके गई है, और जितना भी वैक्सीन की स्ट्रिप्स थी या नेल कटिंग्स हुई थी या जो भी हुआ था वो सब डस्टबिन में खुद से डाल के गई हैं, मास्क लगा रखा था। और सबसे बड़ी बात गाइस मुझे जो बहुत अच्छी लगी ना वो ये था कि वो बंदी इतना पर्टिकुलर थी अबाउट देयर सैनिटाइजेशन, वो अगर अपना फ़ोन भी छू रही थी और उसके बाद उसको मुझे सर्विस करनी थी तो वो सैनिटाइज कर रही थी अपने हैंड्स को बार बार, या हैंड वॉश कर रही थी। उसने घर में आने से सबसे पहले अपने हैंड वॉश किए, सैनिटाइज किया, उसके बाद उसने अपनी सर्विस स्टार्ट की। और इवन जब उसने पूरा सामान पैक किया उसके बाद उसने अपना बैग फिर से सैनिटाइज किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी तरफ से अर्बन क्लैप वालों को वेल डन, आई कैन गिव 10 out of 10। मुझे उनकी सर्विस बहुत अच्छी लगी। और जितने पैसों में आप बाहर जाके सर्विस कराते हो नॉर्मल सैलॉन्स में, वो आपको घर बैठे मिल रही है, तो अर्बन क्लैप सैलो एट होम कहना बुरी बात नहीं है। आई रिकमेंड गाइज, अगर आप लोग भी ट्राई करना चाहते हो तो एक बार एक बेसिक सी कोई भी सर्विस ट्राई करके देख लो। आई होप आपको ये अच्छी लगेगी, मेरा एक्सपीरियंस यहीं तक। मुझे अर्बन क्लैप का सर्विस बहुत अच्छा लगा, आई कैन गिव अ थम्स अप टू देम। और चलो नेक्स्ट अभी कुछ अच्छा सा और ब्लॉग लेके आएंगे, तभी के लिए बाय बाय।